हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हीप क्रीम कैसे बनती है, ये कैसे फिटेगी। ये सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। दोस्तों, ये क्रीम डाल दी गई है, ये जाली समझो, इसको व्हीप कर रहे हैं। अब व्हीप क्रीम को देखिए जाए ये कैसे फिटेगी। अब देखना, इसको ऐसे जितना हो सकता है उतना फेंटना है, ये पूरी टाइट हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तब आपको लगेगा हाँ ये व्हीप क्रीम फिट चुकी है। तो व्हीप क्रीम फिटने का तरीका ज़रूर आप देखते रहिएगा। दोस्तों देखिए, ये इस प्रकार से आपको फेंटना है। आप ये घरेलू उपाय है, आप कैसे भी हैंड मिक्सर से कर सकते हो या ऐसे ऐसी कुछ भी ले सकते हो। देखिए, ये क्रीम हमारी जो बन के हो चुकी है रेडी। अब इससे हम जो है फूल बनाएंगे। दोस्तों, अब ये फूल के लिए जो हमने क्रीम पूरी तरह रेडी हो चुकी है, और अब हमें फूल के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक लगेगी, एक नोजल और एक कैंची, एक पाइपिंग जो कि हमारे पास होना चाहिए, तभी अपना फूल बनेगा। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले क्या क्या चीज़ इसके लिए होनी चाहिए। देखिए, ये रहा हमारा फ्रूट कलर, ये फ्रूट कलर है रेड जो कि फूल में लगेगा। ये पाइपिंग है, ये फूल के स्टेन है, ये फूल का नोजल है। अब ये नोजल को इस पाइपिंग में रखना है और इसको कैंची से आगे से कट कर लेना है। कट करना है, लेकिन देखिएगा इतना ही कट करना है, नोजल ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए अपना, बिल्कुल प्रॉपर कट होना चाहिए। ये देखिए, ये जो कट हो गया, अब इसमें इतना नोजल बाहर आना चाहिए अपना, बस इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसमें जो है हमने व्हीप क्रीम डाल दी है। अब इसमें व्हीप क्रीम डालने के बाद एक तरफ से थोड़ा सा गेप छोड़ना है, जो कि हमको इसमें फ्रूट कलर डालना है। ये हमने फ्रूट कलर डाल दिए। अब दोस्तों, इसमें क्या होगा, आधा वाइट आधा रेड फूल बनेगा, जो कि दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, ये हम फूल बनाने जा रहे हैं, जो कि फुल स्टैंड पे हमने जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखो इसमें फूल कैसा बनेगा दोस्तों। अब ये है जो नोजल को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, अप डाउन करना है, जिससे कि हमारा फूल बन रहा है। अब देखिए, ये गुलाब बन रहा है हमारा, जो कि वाइट और रेड कलर का है। देखिए दोस्तों, ये हमारा वाइट रेड फूल रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फूल बनाएंगे, जो कि पूरा रेड बनाएंगे, जिस पर हम स्प्रे करेंगे रेड कलर का। अब देखिए, ये लिक्विड कलर से बनाया हुआ फूल है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब इसको आप केक पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये हमारा रेड कलर का आ गया है पाउडर, जो कि फुसफुस कलर है, और अब हम बनाने जा रहे हैं फुल रेड फूल। ये देखिए, रेड फूल के लिए आपको ऐसा ही सेम करना है, नोजल को ऊपर उठाओ फिर नीचे रखो, जो कि एक के पीछे एक करते जाना है, अपना फूल ऑटोमेटिक बन जाएगा आपको क्रीम जहाँ आपका नोजल चल रहा है। ये देखिए, हमने अब इस पर रेड कलर के स्प्रे कर दी है, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा है, पूरा रेड हो चुका है, ये रोज़ बन गया है। अब ये रोज़ आप केक पे लगाओगे तो केक दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। दोस्तों, ये हमारा रेड फूल बनकर रेडी हो चुका है। और भी आपको वीडियो कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।